महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिंदे फिर से सीएम बनेंगे या डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे, आज इस पर फैसला हो सकता है। महायुति में सीएम पद को लेकर जबरदस्त हलचल है। सभी दल के नेता सीएम को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। शिंदे ने कहा है कि जिसकी ज्यादा सीट वो सीएम बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वहीं फडणवीस ने ये ट्वीट कर और हलचल बढ़ा दी है कि बास की असली उड़ान अभी बाकी है, तो देखने वाली बात होगी। और ये खुशी की तस्वीरें हैं जहां पार्टी के तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से और देवेंद्र फडणवीस की भूमिका सबसे उसमें ऊपर ही मानी जा रही है। जिस तरह से संगठन को, जिस तरह से सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़े, और ये देखिए खुशी किस तरह से उनको उठा लिया गया ऊपर इस बंपर जीत के बाद। ये खुशी को दर्शाती हुई ऐसी तस्वीर, कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, खुशी की लहर है भारतीय जनता पार्टी में, महाराष्ट्र में और देश में इसको लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी जीत है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके संदेश बहुत बड़े हैं। और किस तरह से दाव पर थी, क्योंकि महाराष्ट्र में महागाड़ी ने भी जोर लगाया था, अलायंस ने पूरी तरह से शक्ति लगाई थी, लेकिन यह बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन के लिए। और आप सभी को लिए चलेंगे मुंबई महाराष्ट्र, क्या हलचल है जानने का वक्त है, और इसके लिए विद्या का रुख करेंगे। विद्या हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। विद्या, महायुति की बंपर जीत, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं लगातार, और इस वक्त क्या है माहौल पूरे महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें तो लोग यही कह रहे हैं कि एक स्टेबल सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सेंटर और स्टेट में अगर एक ही सरकार रहे तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के टेन्योर में सब लोगों ने देखा था किस तरह से उद्धव ठाकरे बार बार यही कह रहे थे कि सेंट्रल से कोई फंड्स नहीं मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स महाविकास अघाड़ी ने शुरू किए थे उनको जो बीजेपी की सरकार आई थी उनको उन्होंने पलट दिया था, दूसरे कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए थे, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उथल पुथल देख चुका है महाराष्ट्र। और यही वजह है कि लोग कह रहे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो जीत हुई है ये स्टेबिलिटी के लिए जीत हुई है। लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जो साथी पार्टी है जो भी है, ऑपोजिशन को एकदम कह लीजिए एक म्यूनिसिपल लेवल पे लाके रख दिया गया है, और बीजेपी और बाकी साथी पार्टियों को इस तरीके से जो जीत दी गई है उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत बड़ा जो लोगों की उम्मीद थी उसके लिए दी गई है। अब बात मुख्यमंत्री की हो रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और यही वजह है कि इस वक्त हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट से लेके बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे हमने बात की उनका यही कहना है कि भले ही बीजेपी ने बहुत ज्यादा जीता हो लेकिन दरियादिली जैसे जिस तरीके से दिखाई थी और 2.5 साल निकाले थे एकनाथ शिंदे के साथ, वैसे ही छोटी पार्टियों को अगर ये बड़ी मलाई देते हैं तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी और ज्यादा रहे और लगातार रहे। और यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों को तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त जैसा कि हमने फडणवीस के ट्वीट में भी देखा है लग यही रहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो सकता है। ठीक है विद्या, आपका हम दोबारा रुख करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय हो चुकी है, लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। बीजेपी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन सवाल यह कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं या फिर एकनाथ शिंदे को ही फिर से सीएम की जिम्मेदारी सौंपेगी पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, लड़की बहना म्हणजे गेम चेंजर ती योजना झाली। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, एकता का ये विजय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की होली खेली।
शिंदे के घर के बाहर भी सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल पर थिरकते नजर आए। जीत का गुलाल उड़ रहा था और वह जीत का जय घोष हो रहा था। महाराष्ट्र में महायुति की जीत को लैंडस्लाइड विक्ट्री या फिर जीत की सुनामी भी कह सकते हैं, लेकिन महायुति में रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है और बीजेपी ने इस बार 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अकेले ही 130 का आंकड़ा पार कर दिया। महायुति में न सिर्फ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी बल्कि बहुमत के 145 वाले आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सीएम रह चुके हैं, लेकिन शिंदे सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। फडणवीस अमित शाह और पीएम मोदी के वफादार माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने हाल के सालों में कई राज्यों में सीएम बनाने के फैसले से चौंकाया है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। सवाल है कि 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद अचानक से बीजेपी ने बाजी ही पलट दी और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पंचर हो गई। साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।